नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नए सीएम के चेहरे डॉक्टर मोहन यादव के बारे में। डॉक्टर मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। उनके पिता पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता थे। मोहन यादव की शुरुआती पढ़ाई नजदीकी स्कूल से शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी से बीएससी, एलएलबी, एमए एवं पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। वहां से वह वर्ष 1984 में एबीवीपी से जुड़ गए और वह आरएसएस के भी सक्रिय सदस्य रहे। सन 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव और 1984 में अध्यक्ष, सन 1986 में विभाग प्रमुख, सन 1988 में एबीवीपी मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य चुने गए थे। सन 1989-90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री, सन 1991 और 92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री, सन 1993-95 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उज्जैन नगर के सहखंड कार्यवाहक, सन 1996 में खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह, सन 1997 में भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सन 1998 में पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य, सन 1999 में भाजयुमो के उज्जैन संभाग प्रभारी, सन 2000-2003 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की कार्य परिषद के सदस्य, सन 2000-2003 में भाजपा के नगर जिला महामंत्री, सन 2004 में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सन 2004 में सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के सदस्य, सन 2004 से 2010 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, राज्य मंत्री का दर्जा, सन 2008 से भारत स्काउट गाइड के जिला अध्यक्ष, सन 2011 से 2013 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, भाजपा की प्रदेश कार्यकारी के सदस्य, 2013 से 2016 में भाजपा के अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक, उज्जैन के समग्र विकास हेतु अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार और स्कान इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा सम्मानित। मोहन यादव पहली बार वर्ष 2013 में उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए थे। उसके बाद वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में वह एक बार फिर उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक बने। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के चेतन महानारायण यादव को 12,947 वोटों से हराया था। मोहन यादव वर्ष 2013 में विधायक निर्वाचित होने के दौरान शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री बने थे। मोहन यादव की गिनती करोड़पतियों में होती है। उनका कुल संपत्ति 42 करोड़ रुपए है। मोहन यादव की शादी सीमा यादव के साथ हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कुरेभार ब्लॉक के फुलौना नजदीकी गांव अकोड़ी में है। उनके नाम की घोषणा होते ही उनके ससुराल सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उनके ससुर के पास बधाई देने पहुंच गए। आपको बताते चले, उनके ससुर का नाम ब्रह्मादीन यादव है। उनकी बेटी सीमा यादव से मोहन यादव की शादी सन 1994 में हुआ। इनका ससुराल कुरेभार ब्लॉक के अकोड़ी गांव के डिहुआ नामक पुरवा में हुआ है। 96 वर्षीय ब्रह्मादीन की तबीयत बिगड़ गई थी, तब उनको देखने मोहन यादव यूपी के सुल्तानपुर जिले में आए थे। उसके बाद वह सांसद कैसरगंज ब्रजभूषण चरण सिंह के यहाँ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निकल गए थे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।